हम बोल सकते हैं एक तरह से बहुत ज़्यादा सिमिलर है तो बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है बट दे आर एक्चुअली टू डिफरेंट इन्ग्रीडियंट्स दैट आर यूज इन द कॉस्मास प्रिपरेशन द वर्ड इमोलियंट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मुलायर दैट मीन्स टू सॉफ्ट इन ठीक है इमोलियंट इज़ अ ह्यूमेक्टेंट एंड विच एनहेंस द सर्फेस ऑफ स्किन टू होल्ड वाटर हमारा जो ह्यूमेक्टेंट है वो मॉइस्चर को रिटेन करने की एबिलिटी बढ़ा रहा था और इमोलियंट है हमारी बॉडी का सर्फेस एरिया बढ़ा रहा है टू होल्ड वाटर ठीक है द मेटीरियल दैट आर एबल टू सॉफ्ट इन द स्किन आर नोन एज

दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्जेमा द ड्राई और इच्ची स्किन एंड द बाई सॉरीज दैट इज़ रेड फ्लेकी और पैचेज ऑफ स्किन जब बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन जिन लोगों की होती है उनकी मतलब ये सारी चीज़ें हम उनकी प्रिपेरेशन के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हम ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए यूज़ करेंगे तो उनके फोर्स क्लॉक होकर डिजास्टर्स प्रूफ होगा उनके लिए ठीक है तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो इमोलियंट्स हैं मतलब uh, ये ओले पिड्स हो गए ऑयल्स हो गए शीया बटर ये सारी चीजें हमें uh, यूज करना है फॉर द प्रिपरेशन इन द पीपल विद ड्राई स्किन ओके नाउ नेक्स्ट वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ इमोलियंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज दे आर क्लासिफाइड इन टू नेचुरल एंड सिंथेटिक इमोलियंट्स नेचुरल इमोलियंट्स में आता है लेनोलिन विच इज डराइव फ्राम शीप वुल कोकोनट ऑयल सोयाबीन ऑयल पाम ऑयल एक्सेट्रा सिंथेटिक में वी हैव आइसोप्रोपाइल मेरीस्टेट पॉलीथाइलिन लाइकॉल एक्सेट्रा ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए पी आई वी हैव क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरीज मेडिकेटेड इमोलियट्स दैट कंप्राइज ऑफ एस्टर्स एंड ऑयल्स एंड नॉन मेडिकेटेड इमोलियंट्स दैट हैव एन इमोलियंट जो हम कोई भी हम इमोलियट यूज कर रहे हैं अभी तक तो उसके अलावा उसमें हम ऐड करेंगे प्लस एक कोई भी ए पी आई ठीक है सो so, ये हमारा हो जाएगा नॉन मेडिकेटेड इमोलियट तो हमने अभी तक Uh, जो हमारा इमोलियंस का क्लासिफिकेशन है वो हमारे तो ताप, दो टाइप दो टाइप हमने करा है पहला है डिपेंडिंग अपॉन सोर्स के हमें वो कहाँ से ऑप्टेन हो रहा है नेचुरली या फिर सिंथेटिकली और दूसरा हमारा कि उसमें एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है या नहीं ठीक है